सोएगा इस पहले 25,000 का और फिर 50,000 का, फिर 55,000 का, फिर 70,000 का और अब 90,000 रुपये के लोन का भी मैसेज लोगों के पास आने लगा है। इन सभी टॉपिक को मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि भाई आपके पास इसमें से कोई सा भी अगर SMS आया होगा तो आप कहीं ना कहीं से सर्च कर रहे होंगे और यूट्यूब पर आपको शायद ही उसका कोई वीडियो देखने को मिलेगा। मेरे अलावा आप कहीं ना कहीं घबरा जा रहे होंगे इसे देखने के बाद। आपके माइंड में दो क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन तो भाई ये आ रहा होगा कि हो सकता है कि किसी ने मेरे ID प्रूफ वगैरह का मिसयूज़ करके लोन ले लिया है, और दूसरा क्वेश्चन शायद ये आ रहा होगा कि भाई हो सकता है कि मुझे लोन मिल रहा है। और ऐसे में दोनों ही कंडीशन में आप उस लिंक पर क्लिक कर दोगे। इस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है जो लिंक आपको उस SMS में दिखाया जाता है। दोस्तों मैं आपको आज के इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ कि भाई उस लिंक पर आपको क्लिक क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको जो है आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक डिटेल्स फिल करने को आ जाएगा। और जिसे आप ना चाहते भी अगर फिल कर देते हो तो आपके साथ स्कैम होना लगभग तय है। आपके पास अलग अलग नंबर से कॉल आने लगेगा और वो आपको कहेंगे कि सर आपका इतने अमाउंट का जो लोन है 90,000 का लोन जो है वो सक्सेसफुली अप्रूव तो कर दिया गया था और हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, बस आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस क्लियर करना होगा। प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपये, 1,500 रुपये ऐसे बताया जाएगा आपको, और वो आपको जो है अपना नंबर वगैरह देंगे, बैंक डिटेल्स वगैरह देंगे, जिसमें आपको कहेंगे कि भाई इस पर जो है आप या तो पेटीएम कर दीजिए या फिर जो है अकाउंट में जो है आप अपना पैसा जो है 1,500 रुपये करीब जो प्रोसेसिंग फीस का है वो ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपके अकाउंट में 90,000 रुपये आपके लोन अमाउंट को डाल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से बातें बना करके वो जो स्कैमर्स है दोस्तों वो आपसे जो है 1,500, 2,000 इस तरीके से 2-3 बार ट्रांजेक्शन करवा के पैसे ठक लेते हैं और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगता है, बल्कि आपका 90,000 रुपये का सपना तो चूर चूर होएगा ही कि 90,000 का लोन मेरे को मिलने वाला था वो तो मिलेगा ही नहीं, और साथ ही आपके साथ जो है प्रोसेसिंग फीस के नाम पर भी फ्रॉड हो जाता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर लोन देने के नाम पर कोई आपसे प्रोसेसिंग फीस पहले मांग रहा है तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, बिल्कुल भी उसे प्रोसेसिंग फीस नहीं दें, क्योंकि अगर रियल ऐप होगा वो तो वो आपको जो है लोन के अमाउंट में से ही अपना प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, ना कि ये कि पहले आप प्रोसेसिंग फीस दीजिए उसके बाद हम आपके अकाउंट में जो है लोन का अमाउंट डालेंगे। अगर ये कर रहा है तो वो 100% फेक है। इसके अलावा भी दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी लिंक पर, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप बिल्कुल जानते नहीं हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास जो है 90,000 के लोन का भी SMS जा रहा है और लोग घबरा जाते हैं भाई देखने के बाद कि किसी ने लोन ले लिया है या फिर मुझे लोन मिल रहा है, और ये देखने के लिए कहीं ना कहीं लोग उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।